एग्ज़ाम में आपका आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 26 मार्च के थर्ड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन आ गए मेरे पास। इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप सभी के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया था, वेलोसिटी दे रखी थी आपकी वी इक्वल 20 और यू इक्वल 10, टी दे रखा था आपका 4 सेकेंड और ए आपको फाउंड करना था एक्सेलरेशन। तो आपका सिंपल सा गति के तीन फार्मूले होते हैं, तो उसमें से दूसरा फार्मूला है v इक्वल यू प्लस हाफ ए टी होता है, यहाँ पे हाफ कर लीजिए, हाफ ए टी होता है 1/2 ए टी, आंसर आएगा आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है कि हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस फॉर गवर्नमेंट की जो एम्प्लाई है उनकी लिमिट मतलब कितने रुपए रखी गई है, तो उसकी लिमिट रखी गई 25 लाख रुपये। ये कहता है गोवा फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। देखिए अभी तक आपने 3-4 दिनों के जो मतलब शिफ्ट के क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसमें गोवा फिल्म फेस्टिवल, कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल से पूछे गए, दो दो फिल्म फेस्टिवल से पूछे गए, तो आपको वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो आप अगर मेरे प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो 120 बिट्स पर मिनट बेस्ट फिल्म है। एक आया था कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब भारी जल क्या करता है, ये न्यूट्रॉन मतलब कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका उपयोग होता है। ये कहता है स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे, तो 1893 में वो गए थे, 1893 में शिकागो गए थे। इनको केवल 5 मिनट भाषण देने के लिए बोला मतलब टाइम लिमिट सेट किए गए थे, लेकिन जब ये बोलने लगे थे तो फिर पब्लिक ने डिमांड कर दी कि बोलने दो, तो ये काफ़ी देर तक मतलब वहाँ पर लेक्चर दिए थे। एक मतलब क्वेश्चन था कि रोबोट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, किसने बनाया था, उसका आंसर है एमआईटी ने बनाया है इसको, एमआईटी संस्थान ने। एक आया था ध्वनि गति किस कारण से माध्यम में संचरण करती है, तो दाब के कारण प्रेशर के कारण माध्यम में संचरण करती है। एक स्टेमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आकार से रिलेटेड, इसका आकार किस टाइप का होता है, तो इसका आकार किडनी की तरह होता है। एक ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिति 2017 हैदराबाद से क्वेश्चन आया था, अभी ट्रम्प की बेटी वहाँ पे आई थी, तो वहाँ पे एक रोबोट भी लॉन्च किया गया भारत की तरफ से, वहाँ पे वुमेन फर्स्ट फॉर ऑल ये उसका मोटो था। एक आया था पंचायत को गलत करने पर मतलब पंचायत कोई काम गलत करता है तो उसे कौन कौन रोक सकता है, तो उसे ग्राम सभा रोक सकती है। एक आया था जोग या गशोपा जलप्रपात कहाँ पे है, तो देखिए कई बार आपको मैं बता चुका हूँ, अभी इस सीएचएसएल एग्जाम में बता चुका हूँ कि सरस्वती नदी पे कर्नाटक राज्य में जोग गशोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, ये सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का मतलब ऊंचा जलप्रपात। और शिव समुद्रम जो है वो केरला में कावेरी नदी पर। और एक ये क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग किसके समय में आया, तो ह्वेनसांग देखिए हाँ से आप रखिए, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि ह्वेन सांग कब आया और फायान कब आया, तो हाँ से याद रखिए मैच कर लीजिए, हाँ हाँ ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय में आया था और जो फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये क्वेश्चन आया था कि जिस क्षेत्र में हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक कथन कारण वाला हर से उसमें क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि चेस में विनर कौन है और दो स्टेटमेंट आउट थे वो हमको मिल नहीं पाए। ये क्वेश्चन आया था सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक पिछली बार भी आ चुका है ये मतलब कि पिछले शिफ्ट में, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक वो होते हैं आइसोमर आइसोटोन्स जिसके न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और एक आया था साइज ऑफ एस्टोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ ये क्वेश्चन मिले मुझे लेकिन ये नहीं पता कि किस शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स लिख दिया उनको। जैसे कि आया था इंग्लिश से मुंडेन, इसका मतलब क्या होता है, तो मुंडेन का मतलब होता है साधारण। और एक आया था भारत के वीर की गायक कौन है, तो कैलाश खेर है। और एक आया था नवरत्न बिकम पार्ट ऑफ विच बजट, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमको सही से नहीं मिल पाया, अगर आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अपडेट करें। एक आइसोबार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक स्पेलिंग आई थी हाइजीन की स्पेलिंग आई थी बहुत ही सिंपल। एक आया था ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो एक क्रूड ऑयल से संबंधित है ब्लैक रिवोल्यूशन कच्चे तेल से। एक आया था एंटोनियम से, एंटोनियम आए थे दो,
टायरो और सैंग्विन। टायरो का मतलब होता है नैसुखिया और सैंग्विन का होता है आशावादी। और साइनो में आया था स्क्रूलिटी मतलब गाली गलौज, और वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब होता है कच्चा, अनाड़ी, हरा भरा। एक विषम चुनना था इसमें, सन, मार्स, वीनस, मरकरी में। देखिए सन सबसे विनस है, आप कई तरह से सन को आप ऑड कर सकते हैं। देखिए सन में अपना लाइट है, सन एक तारा है, बाकी सभी ग्रह हैं। सन में खुद की ऊर्जा है, हीलियम और हाइड्रोजन, इसमें लगातार नाभिकीय संलयन ऊर्जा मतलब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चलती रहती है। कई फैक्ट से आपको सन को अलग कर सकते हैं। एक मैथ में क्वेश्चन आया था, 1/3 प्लस कॉसेक 30 का मान बताना था। देखिए sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, तो sin 30 का मान को उल्टा कर देंगे तो cosec 30 का मान आ जाएगा 2 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/3 आंसर।